They suck out the confidence from the child and then they blame ki tum confident bachcha kyun nahi ho. Nacho na, nacho. Kaise nacho? Nahi nach pa raha hu main kyunki main confident nahi hu. Aapne mujhe confident nahi banaya. Sanskari hone ka matlab darpok hona nahi hota. Hello everybody. What we are going to talk about today is called toxic families. First of all, मेरे को किसी भी word के पीछे toxic लगाना पसंद नहीं है. I feel like ये बहुत bad practice है. But then इस चीज़ में मैं toxic ना word use करूँ तो मैं क्या word use करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा. So I'll go with the term toxic families. Ever heard of that? Bitch. किसी भी sentence के आगे bitch लगा दो ना तो just becomes heavy. तुमने ये पक्का notice करा होगा कि जब भी कोई celeb या कोई भी suicide करता है ना, हमारे पेरेंट्स ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, कैसे हो गया ये. जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड केस हुआ, आवर पेरेंट्स वर लाइक फक ये कैसे हो गया, दे वर सो शॉक्ड. रियली इज इट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखा जाता है जो कि वेस्ट में नहीं है, कि हमारी मदर्स हमें पुश करेंगे अच्छा खाने के लिए कि घी खा लो, अच्छी चीज़ें खा लो, बादाम खा लो, बट मेंटल हेल्थ को घंटा भाव नहीं दिया जाता. पूरे बचपन तुम दबा के रखते हो, डरा के रखते हो अपने बच्चों को, एंड अचानक से एक दिन फैमिली फंक्शन में यू एक्सपेक्ट कि जा राधा तेरी चुनरी में डांस करके दिखा जा. कैसे होगा, कैसे हो सकता है ये, जब आपने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया दुनिया से एक्सपोजर लेने का, सीखने का, गलतियां करने का. आई फील लाइक द टाइम्स वी आर लिविंग इन, ऑफकोर्स ये टाइम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अभी हम अपने करियर को बनाने वाले हैं, ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है कि आज हम क्या करने वाले हैं. बट इस सब के बीच में जो घर में भसड़ हो रही है, इससे कैसे डील करना है. आई होप दैट यू डू नॉट रिलेट विद दिस, बट द फैक्ट इज दैट मेजॉरिटी ऑफ अस विल लिव इन अ टॉक्सिक हाउस होल्ड. अ हाउस होल्ड जहाँ पे डोमेस्टिक अब्यूज हम देखते हैं बड़े होते हुए. इट्स वेरी कॉमन कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं विच इज़ वेरी नॉइजी. वी सी वायलेंस विच इंक्लूड्स डोमेस्टिक वायलेंस विच हैज़ अ फिजिकल एस्पेक्ट एंड अ मेंटल एस्पेक्ट इज वेल. एंड टू ग्रो अप देयर एंड टू मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग एट द सेम टाइम एंड यू आर मैनेजिंग योर करियर, इट्स नॉट एन ईजी टास्क एंड वी हार्डली टॉक अबाउट इट. एंड आई एम कम्प्लीटली अवेयर ऑफ द प्रिवलेजेस ऑफ वॉट माई पेरेंट्स गिव मी, मेरे सर के ऊपर एक छत है रहने के लिए. बट देन आप इस पर्सपेक्टिव को भी सोचो, थोड़ी देर के लिए बागवान को साइड में कर लेते हैं. बिकॉज आई पर्सनली फील लॉट ऑफ टाइम्स दैट आई एम बीइंग ड्रैग्ड, कि मैं दूसरों की लड़ाइयों में मुझे घसीटा ना जाए, ऐसा मैं मानता हूँ. एंड यू नो मैं किन की बात कर रहा हूँ. ये बहुत कॉमन है कि हम सब में कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं. ये क्यों है, क्योंकि हम घर में कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हम कॉन्फिडेंट फील घर में, और इसलिए बाहर की दुनिया को फेस करने में हमें डर लगता है. तो आखिर हम ऐसे क्या करें कि हम अपने अंदर गूदा ला पाए. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई फील लाइक जज मत बनो अपने घर के. पिक योर बैटल्स वाइजली इन लाइफ. अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट करो. क्या आपकी प्रायोरिटी अभी इस वक्त अपने करियर पे फोकस करना है या अपने पेरेंट्स की लड़ाई को सॉल्व करने में करना है. Because mark my words, you cannot make them understand. You just cannot. What you can do is to make yourself understand that this time won't come again and you have to work hard for it. I understand that there will be times jab aap uthoge, you'll not be in a good mood because the whole situation of the home is fucked up. But then you got to rise, man. I'll give you an example, like a clear one. I made this video, I cannot give an excuse ki आज माहौल कैसा था. इफ आई एम डूइंग इट आई गॉट टू डू इट, दैट्स द ओनली वे आउट. सो वट एवर यू डूइंग इन लाइफ यू हैव टू डू इट लाइक दैट. अपने अराउंड एक हेल्दी इग्नोरेंस का बबल बना लो जो मुझे लगता है कि हेल्प करता है. बिकॉज एक तो रिएक्ट करना बंद कर दो. यू हैव टू हैव दैट जेन लाइक क्वालिटी विच आई हैव डेवलप्ड ओवर टाइम, क्योंकि और ऑप्शन ही क्या है. वेयर यू हैव टू बी इग्नोरेंट. अगर आप हर चीज में रिएक्ट करना शुरू कर दोगे घर पे, You won't be able to do any fucking thing. Mood off हो जाएगा, सो जाओगे, पूरा दिन फिर से खराब हो जाएगा. कि यार हम जो बच्चे होते हैं ना, हम अपना कॉन्फिडेंस ही अपने पेरेंट्स से डिराइव करते हैं, और अगर वही चीज़ टॉक्सिक हो जाएगी तो हमारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा.
They suck out the confidence from the child and then they blame ki tum confident bachcha kyun nahi ho. Nacho na, nacho. Kaise nacho? Nahi nach pa raha hu main kyunki main confident nahi hu. Aapne mujhe confident nahi banaya. संस्कारी होने का मतलब डरपोक होना नहीं होता. संस्कारी होने का मतलब घोड़ा होना नहीं होता जो बिना किसी लॉजिक से हर बात समझे और बस करता रहे बिना सवाल पूछे. और ये बात कैसे समझेगा समाज, मुझे नहीं समझ आता. आई हर्ड वन ऑफ माई रिलेटिव्स कंप्लेनिंग कि उनका बच्चा ना हर चीज में क्यों पूछता है. एंड ही वॉज सो पिस्ड विद दैट कि यार ये हमेशा हर बात में क्यों पूछता है, कितना बदतमीज है. इसमें बदतमीजी कहां से आ गई? If I have been told something, I feel like it's completely in my right to ask why. और इस reasoning से क्या नुकसान हो रहा है ये मेरे समझ के बाहर है. और ये मेरा rant था. But then as I said, मैं जितनी मर्जी यहाँ पे बातें कर लूँ, you can't do shit about it, you won't be able to change them, at least right now. जैसे कि plane में announcement करते हैं ना कि जब emergency हो तो mask पहले खुद पहनो फिर दूसरों को लगाओ, वैसे ही if you want to help your parents, you have to help yourself first. That you have to be capable enough financially. Because money solves a lot, man. When you are successful, you earn well, barakat aayegi, shanti aayegi, khushhali aayegi, achhe din aa jayenge. And that'll solve a lot. Aur uske liye ye zarurat hai ki hum aaj mehnat kare taki hamara kal achha ho. In sab bhasad ko ignore karte hue. And that's how I've been living my life. If I want to make a video, I make videos. Please try ki wo cheeze dhoond pao jo aapko khushi deti hai. Jaisa ki main apne har videos mein kehne ki koshish karta hu. Aapko agar likhne ka shauk hai, aapko cheeze padhne ka shauk hai, gana gaane ka shauk hai, un cheezon ko waqt do taki thodi der ke liye is dimag ko jo ki pressure cooker ban chuka hai usko shanti mil paaye. Hamare liye taboo hai, abhi bhi hai ek therapist ko consult karna. पर मैं कहूंगा इफ यू कैन अफोर्ड इट एंड इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू डू कंसिडर गोइंग टू अ थेरेपिस्ट एंड जस्ट वॉमिट आउट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और अगर आप एक्सेस कर सकते हो. इफ नॉट दैट देन डायरी लिखना इज अ ग्रेट ऑप्शन. बेसिकली व्हाट आई मीन इज दैट कि यार मन अच्छा रखो, क्योंकि अगर यार दिमाग खुश नहीं होगा ना तो काम नहीं हो पाएगा.